नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RG न्यूज राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, अभी चल रहा है अक्टूबर और आज हो गए है तारीख आपके 26 अक्टूबर। तो 26 अक्टूबर की मौसम विभाग की खबर को जाने तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस साल पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने बताई इसकी खास वजह। जी हाँ, सभी को सर्दी का एहसास होना तो शुरू हो ही गया होगा, तो राजस्थान में इस साल सर्दी का प्रकोप ज़्यादा असरदार होगा, जिसकी शुरुआत महज कुछ दिनों में हो जाएगी। मानसून की विदाई के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते कई दिनों में अब छितरा बादल का भी दौर खत्म हो चुका है। इससे इस मौसम साफ हो गया है और सर्दी का हल्का एहसास अब होने लगा है। सुबह शाम सर्दी भी पड़ने लगी है। जी हाँ, मौसम विभाग जयपुर के केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक इस बार नवंबर से पहले सप्ताह से ही सर्दी शुरू हो जाएगी और फरवरी तक पूरे 4 महीने रहेगी। इसमें करीब 75 दिन कड़ाके की ठंड के रह सकते हैं। इसमें सर्दी के मौसम पर ला नीना प्रभाव खास असर दिखाएगा। जी हाँ, समुद्र सतह का तापमान मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर में सामान्य से कम है। आने वाले महीनों में भूमध्य रेखीय समुद्र सतही तापमान के कारण ला नीना के ज़्यादा असरदार रहने की संभावना है। इसलिए दिसंबर के दूसरे पखवाड़े, जनवरी और फरवरी की शुरुआत में जोरदार सर्दी रहने की संभावना है। प्रमुख जगहों की बात की जाए तो प्रमुख जगहों का तापमान सोमवार सुबह राजधानी जयपुर का मौसम साफ रहा। हालांकि अब शाम के साथ साथ सुबह के तापमान में भी गिरावट का दौर जारी है। आज सुबह का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। बीती रात राजधानी का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रदेश में सबसे ज़्यादा फलौदी का 37.2, चूरू का 37.1, श्रीगंगानगर का 35.3, भीलवाड़ा का 35.0, वनस्थली का 35.2, पिलानी का 37.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान चूरू का 14.5, पिलानी का 13.6 और श्रीगंगानगर का 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आपको बता दें कि आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो मौसम रहेगा साफ। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 5 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। दिन व रात के पारे में गिरावट के साथ ही अब मौसम बदलने वाला है। अन्नदाता रबी फसलों की बुआई में जुट गए हैं। साथ ही नवंबर की शुरुआत तक सरसों व चने की बुआई, गेहूं व जौ की बुआई नवंबर के अंत तक की जा सकेगी। जी हां, किसानों के लिए और राजस्थान के मौसम प्रेमियों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस साल सर्दी का असर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको मौसम की अपडेट अब तक आपको अपडेट करवाई, तो हमारी वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगले बड़े वीडियो में बड़ी खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।